नमस्कार दोस्तों और विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है देखो फ्रेंड्स अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है और जैसा कि आप लोग ये भी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज के लिए बहुत ही तीव्र गति से प्रयास किए जा रहे हैं और हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार होते हैं एक तरीके से वही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं तो उन्होंने एक पत्र जारी किया हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत जितने भी जिलों में पद रिक्त हैं तो उन पदों को एक जगह कलेक्ट करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है बीस जून तक यानी कि एक कहा गया है कि बीस जून तक आप लोग ये डेटा उपलब्ध करवा दें कि आपके ज़िले में यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो प्रशासनिक पद होते हैं अलग अलग ज़िलों में तो वहाँ पर कितने पद ग्रुप सी और ग्रुप डी के खाली हैं तो हालांकि ये जानकारी उपलब्ध हो रही है कि 20 जून के बाद रिक्तियों की संख्या जारी की जाएगी और इसके बाद एक नया विज्ञापन जारी होगा और ये विज्ञापन आपका जुलाई या अगस्त में आ जाएगा और इसकी परीक्षा सितंबर अक्टूबर में करवा ली जाएगी क्योंकि फ्रेंड्स होता ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब वैकेंसी आती है तो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती है लगभग पाँच से सात महीने में वैकेंसी भी आती है एग्ज़ाम भी होता है और ज्वाइनिंग भी करा दी जाती है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि अगर आप विज्ञापन का वेट करें और फ्रेंड्स इसी बीच एक खबर और भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर ओ आर ओ के पद भी खाली हैं तो सबसे पहले तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और इसके बाद आर ओ आर ओ के पोस्ट की वैकेंसी आएगी जो कि सितंबर अक्टूबर में आ सकती है लेकिन परीक्षा इसकी दिसंबर जनवरी तक करवा ली जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिव्यू ऑफिसर के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या वर्तमान में तीन है और ए के लिए रिक्त पदों की संख्या सौ है तो मिला के कुल चार पद हैं आर ओ आर ओ इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इस पर जो विज्ञापन जारी होगा ये विज्ञापन फ्रेंड्स आपको पता ही है कि सबसे पहले तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और उसके बाद आर ओ आर ओ की वैकेंसी आने वाली है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए जो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया है तो उसमें परीक्षा करवाई जाती है स्टेज वन और स्टेज टू स्टेज वन में क्या होता है कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्टेज टू में आपकी टाइपिंग टेस्ट करवाई जाती है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जो विज्ञापन होगा संभावना है कि जुलाई अगस्त में विज्ञापन जारी हो जाएगा परीक्षा सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी और आपकी दिसंबर जनवरी तक ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी तो देखो यहाँ पर जो स्टेज वन और स्टेज टू है उसको ध्यान से समझ लो स्टेज वन में आपकी परीक्षा होगी मतलब आपको कुल मिला के डेढ़ घंटे का समय दिया जाता है डेढ़ घंटे में आपको सौ प्रश्नों को हल करना होता है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी अंग्रेजी मैथ और जीएस के सेक्शन में कुल चार सेक्शन होते हैं जिसमें 25 प्रश्न हिंदी से 25 प्रश्न इंग्लिश से 25 मैथ से और 25 प्रश्न जीके और जी से संबंधित होते हैं तो कुल 100 प्रश्नों के आधार पर आपका जो स्टेज वन की परीक्षा है ये डेढ़ घंटे में करवाई जाती है और जो लोग स्टेज वन में क्वालिफाई होते हैं उनको फिर टाइपिंग पर बुलाया जाता है टाइपिंग में हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग करवाई जाती है हिंदी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट और अंग्रेज़ी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट की स्पीड रहनी चाहिए लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिंदी और इंग्लिश में 25-25 नंबर की ये परीक्षा होगी और हिंदी में भी कम से कम 10 नंबर और अंग्रेजी टाइपिंग में भी कम से कम 10 नंबर आपको लेकर आना है तब जाके आपको टाइपिंग क्वालिफाई आप कर पाएंगे यानी कि ग्रुप सी में आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो स्टेज वन के आधार पर बनती है हिंदी अंग्रेजी मैथ और जी का जो पेपर आपका होगा नब्बे मिनट डेढ़ घंटे का पेपर होगा सौ प्रश्न इसमें जितने मैक्सिमम अंक आप प्राप्त कर लेंगे उसी आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाएगा टाइपिंग आपको क्लियर करना ही पड़ेगा ये क्वालिफाइंग है ठीक है और ग्रुप डी के अंतर्गत सिर्फ दो पेपर होते हैं पहला तो स्क्रीनिंग होता है दूसरा इस तरीके से मेंस की तरह होता है लेकिन दोनों ही जो परीक्षाएं होती हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड होती हैं डेढ़ घंटे की परीक्षा होगी सौ प्रश्न होंगे और आपका जो पेपर होगा उसमें पच्चीस पच्चीस प्रश्न होंगे जी के जी एस मैथ हिंदी और इंग्लिश के यही सेम चीज़ होती है स्टेज वन और सेम चीज़ होती है स्टेज टू में स्टेज टू में प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है जो नेचर होता है थोड़ा सा टफ होता है राधा रैन स्टेज वन तो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त तो हो रही है तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये भी मैंने आपको बता दिया है तो फ्रेंड्स आर ओ आर ओ के बारे में सिलेबस और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में फ़िलहाल आपको ये बता दें कि अगर आप ग्रुप सी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे आसानी से आपका चयन हो जाएगा ये मान चलिएगा कि सितंबर में आपकी परीक्षा हर हाल में हो जाएगी और आसानी से आप इसको क्रैक भी कर सकते हैं तो बने रहिए हमारे साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी आपको हम यहाँ से पहुँचाते रहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद